ओके तो गाइस सर आज आप लोगों के सामने एक फ़ोन अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो कि गूगल पिक्सल 3 जो है। इस फ़ोन को मैंने ख़रीदा हुआ है टू गुड के ज़रिए, और टू गुड जो कि फ्लिपकार्ट का ही एक ब्रांड है जहाँ पर रिफर्बिश्ड जितने भी सारे फ़ोन है इसको बेचा जाता है कम प्राइस में। बट इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 71,000, बट इसको आप यहाँ पर इजीली रिफर्बिश्ड के अंदर 10,000 या 11,000 में बाय कर सकते हो। मैंने बाय किया है 10,500 में। तो ये 3 साल का पुराना फ्लैगशिप फ़ोन अगर आप अभी भी 2022 के अंदर खरीद रहे हो तो क्या ये वर्थ होगा या फिर नहीं, तो वही मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ढक्कन को खुलता हूँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो कि मेरे को 1 साल का वारंटी का कार्ड देखने को मिल चुका है। जिस सेलर के द्वारा मैंने इसको बाय किया है उसी सेलर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है मेरे को यहाँ पर। रिफर्बिश्ड के अंदर भी आपको यहाँ पर 1 साल का वारंटी, ये चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो इनवॉइस, जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करता है वो लोगों को तो पता ही है क्या है ये चीज़। इसके अलावा आप यहाँ पर ये जो फ़ोन देख सकते हो एक नॉर्मल सा एक पेपर के अंदर इसको लगा कर दे दिया है। ये फ़ोन काफ़ी दिखने में अच्छा लग रही है क्योंकि इसको मैंने वाइट कलर में ऑर्डर किया है। इसके अलावा इस फ़ोन को मैं रखता हूँ साइड में। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि एक डाटा केबल दिया गया है चार्जिंग का, जो कि ये टाइप सी है, और ये जो डाटा केबल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और ये वायर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए ये चीज़ें भी मेरे को अच्छा लग रही है क्योंकि नॉर्मल तरीके से इतना ज़्यादा अच्छा कुछ देता नहीं है चार्जर डाटा केबल, सिर्फ फ़ोन ही अच्छा दे देता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो चार्जर है ये भी एक ओरिजिनल चार्जर है इन्फिनिक्स की, तो ये भी मेरे को प्रोवाइड किया गया है जो सेलर से मैंने बाय किया है उसी सेलर के द्वारा। और ये जो है 10 वाट का चार्जर है, बट फ़ोन जो है 18 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है, बट आपको यहाँ पर 10 वाट का ही चार्जर मिलेगा शायद से, क्योंकि मुझे भी मिला है। तो इसी चार्जर से मैं इजीली चार्ज कर सकता हूँ और ये ओरिजिनल चार्जर है, ये चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी ये है बॉक्स और भी कुछ और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर सारा ही सब कुछ रखता हूँ साइड में और अब बात करते हैं यहाँ पर फ़ोन के बारे में। ओके तो जैसे ही यहाँ पर पेपर से इस फ़ोन को खोलता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा ये जो है यहाँ पर नीट एंड क्लीन है एकदम से। मैंने इसको सुपर कंडीशन के अंदर परचेज़ किया हुआ है, एक भी यहाँ पर क्रेज वगैरह कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो पीछे, तो पीछे यहाँ पर गोरिल्ला का 5 दिया गया है, पीछे भी आपको ग्लास ही मिलेगा याद रखना, सामने भी गोरिल्ला का 5 का जो प्रोटेक्शन है वो दिया गया है। पीछे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, मैं एक तो ये वाइट है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये गोरिल्ला का 5 है, ये भी चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा इसका जो फिंगर प्रिंट है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, यहाँ पर जैसे ही इसको टच करता हूँ तो विद इन फ्यू सेकेंड के अंदर ये यहाँ पर जो कि ऑन हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी लगभग 3.5 साल हो चुका है इस फ़ोन को, बट फिर भी ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये जो है यहाँ पर जो भी फिंगरप्रिंट वगैरह है वो यहाँ पर यूज़ हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही आप इसको हाथ में पकड़ोगे ऐसा फील होगा हाँ ये एक मतलब फ्लैगशिप फ़ोन है। वैसे भी एक फ्लैगशिप फ़ोन ही है क्योंकि इसका जो मतलब ओरिजिनल जो प्राइस है वो 71,000 था जब लॉन्च हुआ था आज से 3 साल पहले, और ये अभी आपको सिर्फ रिफर्बिश्ड के अंदर ही कम ही प्राइस में मिल रही है इसलिए। बट जैसे इसको हाथ में पकड़े हुए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक फील आती है अलग ही तरीके से, एक प्रीमियम क्वालिटी का। बट इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है एंड्रॉयड 12 के अंदर अभी भी आउट ऑफ द बॉक्स मुझे मिला है, तो ये चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अभी भी लगभग 3.5 साल हो चुका है अभी भी यह जो है एंड्रॉयड 12 के साथ आती है। एंड्रॉयड 12 का जितने भी सारे फीचर्स वगैरह है वो सारे के सारे इस फ़ोन के अंदर है, तो ये चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब ये पता नहीं है कि एंड्रॉयड 13 यहाँ पर आएगा या फिर नहीं, बट हाँ अभी फ़िलहाल के लिए तो एंड्रॉयड 12 मिल रही है। इसके अलावा इसके कैमरे के बारे में आपको लोगों को यही पूछूं, यहाँ पर ये जो कैमरा है इस फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड फीचर्स है क्योंकि जो कैमरा का क्वालिटी है आप लोगों के साथ पता होगा गूगल पिक्सल का जो कैमरा है वो अलग ही लेवल का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ़ोटो है मैंने खींचा हुआ है शाम का, ये यहाँ पर 12.12 मेगापिक्सल का फ़ोटो है, और इसका जो फ़ोटो का क्वालिटी है अभी भी 15,000 या 20,000 की फ़ोन का कैमरा को इजीली बीट कर सकती है इजीली। आप यहां पर देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ है, और ये गूगल ही खुद इसको ऑप्टिमाइज़ करता है इस चीज़ को, ये चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और ये फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ होकर आया है और ये अभी भी नया जैसा ही काम करता है, किसी भी तरह से लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि फ़ोन जैसे पकड़ोगे ना
एक अलग ही तरीके से अलग ही दुनिया में खो जाओगे इस तरह से है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका बैटरी का भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये आपको लगभग अगर आप इसको प्राइमरी फ़ोन एज ए प्राइमरी फ़ोन यूज़ करोगे तो आपको लगभग एक दिन के अंदर दो बार चार्ज तो ज़रूर करना पड़ेगा। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो बैटरी हेल्थ यहाँ पर 86% फ़िलहाल है इतने दिन होने के बाद भी। इसके अलावा इसका जो बैटरी एमएएच है लगभग 2915 के आसपास है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चीज़ें धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे ही दिन जाता है जो बैटरी का कैपेसिटी है वो थोड़ा बहुत कमते जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना, जैसे आप इसको परचेज़ करोगे रिफर्बिश्ड के ज़रिए थोड़ा बहुत बैटरी का यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, मोबाइल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से चलता है। ये चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ये मेरे को मतलब मैं इस फ़ोन को खरीदने के बाद सेटिस्फाई हूँ। अगर आप इसको एक एज ए सेकेंडरी फ़ोन ख़रीद रहे हो तो ये चीज़ें आप लोग काफ़ी अच्छा होगा, बट इसको आप प्राइमरी फ़ोन ना ही खरीदो, ये मेरा सजेस्ट है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।